हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। डिजाइन कैसा बनना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटू सा सुंदर सा थालपोस ब्यूटीफुल थालपोस लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। दोस्तों आप इसको आराम से बना सकते हैं, एक दिन में कम्प्लीट कर सकते हैं। मैंने इसको एक दिन में कम्प्लीट करके बना के रेडी कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मैजिकल रिंग, यहाँ पर मैं ले रही हूँ जो कि ये मैरून कलर है। आप अपने पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं दो डबल कलर का यूज़ कर रही हूँ, वाइट एंड मैरून। आप अपने पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैजिकल रिंग ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया चेन। चेन के बाद इसके बाद आपको डबल क्रोशिया बनाना है 12। तीन चेन लिया, तीन चेन के बाद आपको डबल क्रोशिया 12 बना लेना है। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके आगे का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर भी सेम प्रोसीजर में ही आपको डबल क्रोशिया ही बनाना है, जो कि बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी बन के रेडी होता है। दोस्तों ये देखिए मेरा ये 12 डबल क्रोशिया बन गया है। और ये जो धागा है पीछे का, इसको खींचते हुए हम ये जो बीच का जो गोलाई है उसको छोटा कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो चेन मैंने लिया हुआ था वहाँ पर आपको स्लिप स्टिच के मदद से क्लोज कर लेना है। फिर से आपको तीन चेन लेना है और अभी आपको हर किसी में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है, जो कि आपको दो डबल क्रोशियों में 12 डबल क्रोशिया बना था, दो दो बनाएंगे तो 24 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक दो और बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गया। उसके ऊपर आपका जो है हर किसी में आपको दो दो फिर से बना लेना है, जो कि आपको 24 का डबल बनाएंगे तो 48 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगा। ये राउंड आपको 48 डबल क्रोशियों के साथ कंप्लीट करना है। तीन राउंड में आपको हर किसी राउंड में दो दो डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए जाना है और यहाँ पर इस तरह से ये राउंड कम्प्लीट कर लेना है। अभी आपको ये कंप्लीट होने के बाद अभी 48 के ऊपर आपको फिर से 48 डबल क्रोशिया बना लेना है, जो कि हर किसी के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 48 डबल क्रोशिया फोर्थ राउंड में आपको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर चार राउंड कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पर इस ऊन को कट कर लिया है। आप चाहें तो वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब उसके ऊपर में भी आपको फिर से वही कलर ज्वाइंट करना है, नहीं तो आप कट करके फिर से यहाँ पर वाइट कलर जोड़ते हुए बना लेंगे। यहाँ पर लेंगे एक सिंपल सा नॉट लेते हुए आपको यहाँ से बना लेना है। ये देखिए यहाँ से आपको ले लेना है धागे को, इस तरह से खींचते हुए आपको यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेना है। इस तरह से बन गया। फिर से आपको इसके कनेक्टेड तीन चेन बनाएंगे। बनाने के बाद उसी में ही आपको फिर से और एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर आपको यहाँ पर लेना है चेन और उसके पास में जो गैप है, दो दो डबल क्रोशियों का जो गैप है, वहाँ पर आपको दो दो डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। एक चेन लेंगे, फिर दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड को कम्प्लीट करेंगे।
ये देखिए ये राउंड यहाँ पर इस तरह कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से तीन चेन लेना है, एक दो तीन चेन लेना है, फिर आपको हर किसी डबल क्रोशियों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पर देखिए कि इस तरह से आपको बनाते जाना है हर किसी के, जैसे कि दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हर किसी के ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये राउंड इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, इस तरह से आपको डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो व्हाइट कलर का जो सेकेंड राउंड है इस तरह से आपको बनाते जाना है। अभी ये बनने के बाद ये जो तीन लाइन मैंने बनाया है, ये जो डबल दो दो डबल क्रोशियों के बीच में जो गैप है वहाँ पर आपको फिर से दो दो डबल क्रोशियाँ जो कि ये मैरून कलर का जो है उसमें आपको बनाते जाना है। सेम प्रोसीजर जैसे व्हाइट कलर का लास्ट राउंड बनाया था ना, उसी तरह ही आपको यहाँ पर एक एक चेन के साथ इसको बना लेना है। इसका आप दो लाइन बना लीजिएगा, दो लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है, आप उसको आराम से बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक ये कंप्लीट बन के रेडी हो गया। अभी जो इसका ऊपर का डिज़ाइन है मैं यहाँ पर बना के दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर लेंगे आप पांच चेन लेने के बाद यहाँ पर आपको बनाना है तीन डबल क्रोशिया। मैं यहाँ पर चार बना देती हूँ, फिर से खोल के मैं यहाँ पर तीन ही बनाई थी, तो यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया ही आपको बना लेना है। फिर आपको ये तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद लेना है दो चेन, फिर डिजाइन को इस तरह से पकड़ के फिर पलटा लेना है, सॉरी दो चेन लेना है, दो चेन लेने के बाद उसी में ही आपको फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह ये बन के इस तरह रेडी होगा। फिर आपको लेना है पांच चेन, फाइव चेन लेने के बाद डिजाइन को पलटाना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया और एक दो बन गया, तीन तीन डबल क्रोशिया बन गया। फिर आपको यहाँ पर चेन लेना है, दो चेन लेना है इस तरह से, दो चेन लेके एक दो चेन लिया। फिर आपको यहाँ पर ये दो चेन दो डबल क्रोशिया स्किप करते हुए आपको यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर बना लेना है चेन, एक दो पांच चेन लेना है, तीन चार पांच, पांच चेन लेना है। फिर डिजाइन को पलटाना है, पलटा के आपको फिर से आपको तीन डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से आपको दो चेन के साथ एक डबल क्रोशिया बनाना है। से दो चेन लेंगे, फिर से आपको यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, बन गया। फिर आपको दो चेन फिर से लेना है यहाँ पर, फिर से आपको यहाँ पर दो चेन ले लेना है। दो चेन लेने के बाद फिर से उसी में ही आपको एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। ये देखिए फिर से आपको यहाँ पर पांच चेन लेना है, एक दो तीन चार पाँच, डिजाइन को पलटाना है और आपको यहाँ पर डबल क्रोशिया तीन बना लेना है। गैप है ना, यहाँ पर आपको तीन डबल क्रोशिया बना लेना है। आप जो पहले राउंड में जैसे कि तीन डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाने की जैसे आपको बना लेना है। ये देखिए फिर आपको यहाँ पर फिर से दो चेन लेना है, कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर दो चेन लेना है और यहाँ पर आपको एक चेन, सॉरी यहाँ पर नहीं, दो डबल क्रोशिया स्किप करते हुए आपको बना लेना है। यहाँ पर चेन लेंगे, इस तरह से यहाँ पर मैंने गलती कर लिया है, अभी मैं खोलूँगी इसको, खोल के मैं एक चेन दो चेन लेते हुए आपको फिर से यहाँ पर इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हो गया, फिर आपको दो चेन लेना है और यहाँ पर फिर से इसके ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनाना है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से बन गया। देखिए मैं खोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ पर इस तरह से होने के बाद आपको दो चेन के साथ यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है,
तरह से। फिर आपको यहाँ पर लेना है दो चेन, फिर आपको यहाँ पर लेना है एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पर लेना है फिर से दो चेन इस तरह से। फिर आपको यहाँ पर फिर से बना लेना है एक डबल क्रोशिया। देखिए ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। अभी आपको तीन चेन लेना है, फिर डिजाइन को पलटा लेना है, और यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ पर आपको टोटल जैसे कि दो तीन 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 करके 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है ये तीनों गैप में। एक हो गया ये, देखिए यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया इसके ऊपर कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। इस तरह से आपको तीन तीन बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पर फिर से दो चेन लेना है, और यहाँ पर आपको सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेना है, डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर आपको। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। अभी आपको यहाँ पर फिर से लेना है, यहीं पर ही आपको तीन डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए क्या कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गया। इस तरह से साइड में ये आता हुआ बनता हुआ जाएगा, और इस तरफ से आपको डिजाइन कंप्लीट बनता हुआ आएगा। यहाँ पर ये बन गया फिर से दो चेन सिंगल डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेना है। फिर से आपको यहाँ पर पांच चेन लेना है, पांच चेन लेते हुए आपको यहाँ पर फिर से डिजाइन को पलटाते हुए डिजाइन को रेडी कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाना है, ये जो गैप है यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो इसके ऊपर एक, तीन बन गया तीन। फिर आपको दो चेन फिर से लेना है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन के रेडी होता है। अभी आपको यहाँ पर दो चेन और ले लेना है, एक दो। देर चेन के बाद यहाँ पर ये स्किप करते हुए यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अभी फिर से आपको दो चेन लेना है, ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। एक दो बन गया। फिर आपको ये जो पास में यहाँ से आपको फिर से डबल क्रोशिया बनाना है, एक बन गया। फिर आपको इसी पास में और दो बना लेना है, एक दो हो गया, और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाए हो गया। अभी आपको यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए अभी आपको यहाँ पर लेना है दो चेन, फिर आपको दो डबल क्रोशिया स्किप करते हुए तीसरे में आपको एक और डबल क्रोशिया बना लेना है यहाँ पर इस तरह से, बन गया। फिर आपको यहाँ पर लेना है ट्रिपल क्रोशिया, तीन बार धागे को लेना है यहाँ पर आपको, एक दो तीन बार लेना है धागे को। यहाँ पर मैं दो बार ही लेके बना के दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर खोल के फिर से आपको बना के दिखाऊंगी आगे, तो आप बने रहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैं वहाँ पर बना बोली थी ना, तो खोल के मैं यहाँ पर तीन बार धागे को लेते हुए यहाँ पर कुछ इस तरह से बना लेंगे। फिर आपको यहाँ पर लेना है पाँच चेन, दो तीन चार पाँच, पाँच चेन ले लिया। अभी डिजाइन को पलटेंगे यहीं पर ही, फिर से यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया तीन बना लेना है। एक हो गया, ये दो और ये तीन। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर, फिर से आप डिजाइन को पलटेंगे, और यहाँ पर ये जो दो डबल क्रोशिया बना है, तीन जो डबल क्रोशिया बना है, वहाँ पर आपको स्टिचेस बनाते हुए धागे को बीचों बीच लेके आना है।
यहाँ तक लेके आना है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको लेना है 6 चेन, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ले लिया। और इसी में ही आपको यहाँ पर आपको सिंगल क्रोशिया से क्लोज कर लेना है इस तरह से। फिर से आपको 3 चेन लेना है, 2, 3 और ये इसके पास वाले जो हम बनाए थे यहाँ पर आपको बना लेना है फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर आपको 6 चेन लेना है। 6 चेन लेते हुए फिर से आप पास वाले में आपको स्लिप स्टिच बना लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर आपको स्लिप स्टिच बना लेना है। अभी और 2 चेन लेंगे यहाँ पर, और 2 चेन हम लेंगे यहाँ पर इस तरह से। धागा कुछ उलझा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा और खींच रही हूँ धागे को। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है ये। अभी आपको यहाँ पर 2 चेन और लेना है। 2 चेन ले लिया, इसके पास में आपको यहाँ पर स्लिप स्टिच से क्लोज करना है। फिर आपको डिजाइन को पलट लेना है। पलटते हुए आपको डिजाइन को यहाँ से आपको डबल क्रोशिया बनाना है 12। ये जो गैप है मैंने 16 का गैप लिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको 12 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यह कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर इस तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच बनाइए नहीं तो सिंगल क्रोशिया भी हो जाएगा। फिर से उसके पास में जैसे 16 और बनाए थे वहाँ पर फिर से आपको 12 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये एक सुंदर सा हार्ट शेप का डिजाइन बन के रेडी होता है। बनने के बाद आपको यहाँ पर स्लिप स्टिच फिर से बना लेना है। 2 चेन ले लेना है और आपको यहाँ पर फिर से सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 2 चेन लेना है, फिर से आपको यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से आपको 2 चेन लेना है, फिर से आपको यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। अभी जैसे यहाँ पर मैंने हार्ट शेप डिज़ाइन लेके आई हूँ उसी तरह ही आपको बहुत सारे इस तरह से बना के रेडी करना है। जैसे कि आपको राउंड शेप में आएगा जो डिज़ाइन और इसको आप जोड़ने में इजी बन के रेडी हो जाता है। बहुत प्यारा बन के रेडी होता है दोस्तों, आप इसको आराम से बना के रेडी कर सकिए। देखिए कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। अभी इसके पास में सेम प्रोसीजर में ही ये बनेगा। मैं यहाँ पर एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए पहली बार में अगर समझ में नहीं है तो मैं और 2 यहाँ पर और बना के दिखा रही हूँ। आप देखिए बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और देखते हुए आप बनाएंगे तो और भी इजी से बन के रेडी हो जाता है। इस तरह से आप बिना स्किप किए देख के बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
पर कुछ इस तरह से मैं पूरा बना के आप लोगों को बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए टोटल मैं यहाँ पर 12 बना के रेडी कर चुकी हूँ। ये जो हार्ट शेप है टोटल 12 बन के रेडी हो गया। और ये जो मैंने पहले राउंड बनाया था इसमें मैं इसको जोड़ के इस तरह से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह से जोड़ा है। आगे मैं आपको यहाँ पर कैसे जोड़ना है मैं आप लोगों आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर बिना स्किप किए देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पर मैंने चेन लिया और यहाँ पर मैं एक बनाऊंगी सिंगल डबल क्रोशिया। और आपको ये धागे को इसके अंदर से लेते हुए इस तरह से इसको कनेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बना लेना है, एक चेन लेना है। और उसके पास में सेम प्रोसीजर में इसी तरह ही आपको पूरा जोड़ते जाना है, जो कि बहुत ही सुंदर सा जोड़ना बनके रेडी हुआ है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ इस तरह से ये पूरा जुड़ गया। अभी यहाँ पर और दो आपको बना के रेडी करना है, इसलिए मैं वाइट कलर का जो धागा है इसको खोला है, कट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं और बना के यहाँ पर जोड़ूंगी। अब बने रहिए वीडियो में। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बना लिया है और यहाँ पर आपको इस तरह से चेन लेते हुए इसको यहाँ पर मैं क्लोज करूँगी। इसके बाद अगर फिर से भी नहीं हो रहा है तो मैं और एक यहाँ पर बनाऊंगी। पहले तो मैं यहाँ पर एक ही बनाई हूँ और यहाँ पर आपको फिर से बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी आपको जोड़ना दिखाऊंगी। मैं बना रही हूँ
दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा जुड़ के रेडी हो गया है। कितना सुंदर सा बन के रेडी हुआ है। अभी ये एक दूसरे को जोड़ना मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह से मैं एक दूसरे को जोड़ूंगी चेन के साथ, डबल क्रोशियो के साथ। आप ध्यान से देखिएगा जरूर। कुछ इस तरह से जोड़ना हो गया। अब ये जो धागा है हम इसको छुपाते हुए अंदर लेते जाएंगे और बाकी का जो धागा है उसको कैंची की मदद से कट करके निकाल लेंगे। कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हो, ये नॉट लगा लिया। फिर ये जो धागा है इसको अंदर से लेते हुए यहाँ पर हम रख लेंगे और इसको बाद में कट कर लेंगे। ये बहुत सारे धागे हैं इसके पीछे की तरफ से रह गया है, इसको इस तरह से निकालते हुए आपको कट करना है। चलिए देखते हैं इसका जो फाइनल लुक है कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर है और एक दिन में बहुत ईजी से बन जाता है। ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत सुंदर है। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा जरूर। और अगर यहाँ तक ही आप देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक सुंदर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।